हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम देखेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 8 फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है ना। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन हम कैसे मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू होगा? फ्रिक्शन के ही थ्रू होगा, है ना। हम क्या करेंगे, इसको व्हील लगा के इसको रोटेट कराएंगे, है ना। तो क्या होगा, इस जो व्हील है आपकी और जो ये सरफेस है, इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम चलते भी हैं तो चलने से क्या होगा, हमारे जो पैर होते हैं और जो सरफेस है उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। उस फ्रिक्शन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रिक्शन। उसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स। देखो फ्रिक्शन का भी फोर्स होगा, जैसे हम चलते हैं तो हमारा पैर भी जो है वो फोर्स करता है फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डस्टर भी इस बोर्ड पे इसको रफ करने के लिए पुश करूं तो इसके बीच में भी और इसके बीच में भी फ्रिक्शन है, ठीक है। दूसरा है आपका फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को? जैसे कि पहला तो है आपका फोर्स, ठीक है। पहला तो फोर्स ही है, जितना फोर्स होगा उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। डिपेंड करता है आपकी फोर्स पे, फ्रिक्शन का, ठीक है। दूसरा क्या डिपेंड करता है, कि जब आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स पे पर्टिकुलर किस पॉइंट पे लगा रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका अफेक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन, कितना इफेक्ट पड़ेगा उस फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉल पे इस पे नेल से ठोकता हूँ, कील ठोकता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका फोर्स, जिस फोर्स से हम उस कील पे मार रहे हैं, और दूसरा उसका जो स्पेस है उस नेल का, है ना, वो उसको डिटरमाइन करेगा कि क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं फ्रिक्शन। जब तक वो फ्रिक्शन नहीं करेगा, वो नेल उसके अंदर डिप नहीं करेगी बॉल में, ठीक है। इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन को अगर इनकेस डिक्रीज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड पे हम पाउडर छिड़कते हैं, उससे क्या होता है, पाउडर लगाने से फ्रिक्शन कम, है ना। जो हमारा स्ट्राइकर है उसको फ्रिक्शन कम मिलता है और वो इजिली स्लाइड करता है ना। तो डिक्रीजिंग करने के लिए फ्रिक्शन को हम क्या यूज करते हैं, पाउडर वगैरह यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि जो हम गाड़ियों के पहिए यूज करते हैं, वो पहिए क्या करते हैं, एक्चुअली वो फ्रिक्शन कम करते हैं, फ्रिक्शन होता है लेकिन कम फ्रिक्शन, ठीक है। वैसे ही इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऐसे ही हम पुश कर रहे हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश कर रहे हैं आगे करने के, है ना, तो जो फ्रिक्शन इसके सरफेस से जो सरफेस में होगा वो ज्यादा होगा अगर हम इस ऑब्जेक्ट के नीचे पहिए लगा, है ना। अब ये पहिया अगर इस स्पेस को ट्रैवल कराया जाए तो क्या होगा, अब फ्रिक्शन देखो कितना होगा, है ना। तो पहला कितना था, अब कितना बच गया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते, ठीक है। जो मैंने बताया लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसको हम यूज करके फ्रिक्शन कम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रीसिंग की बात करूँ, ऑयलिंग की बात करूँ, हम जो मशीन वगैरह में यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो सके, है ना। जैसे कि हम साइकिल वगैरह में, बाइक वगैरह में ऑयल डालते हैं, उसमें क्या होता है, जो इंजन होता है उसको मूवमेंट के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं, ठीक है। उस मटेरियल्स ऑयल्स को, उस ग्रीसिंग ऑयल्स को हम लुब्रिकेंट्स, ताकि उससे क्या हो, फ्रिक्शन कम हो। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन होता है,
नेम से ही पता लग रहा है, रोलिंग। रोलिंग जो मतलब कुछ रोल टाइप का हो, ऐसा फ्रिक्शन जो किसके थ्रू हो, रोल्स के थ्रू। मतलब जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ व्हील की, ये व्हील है आपके, व्हील क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन करता है ना, ये राउंड राउंड होते रहता है, ठीक है, ये रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे साइकिल के पहिए हो गए, बाइक के पहिए हो गए, ये क्या हो गया, व्हील क्या करते हैं आपके, रोलिंग फ्रिक्शन। दूसरा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपने पढ़ा हुआ, जैसे हमने कई बार सुना कि स्लाइडिंग वाले गेट होते हैं, है ना, जो आपके स्लाइडिंग वाले गेट होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अगर कोई ये मान लो दरवाजा है, ठीक है, और ये स्लाइडर वाला है, ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है, तो क्या होगा, जो इसके जो नीचे वाले पॉइंट होंगे, यहाँ पे छोटे 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 क्या लगे होते हैं, बैरीज लगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, और इस जो गेट है आपका, ये इसको रोलिंग की तरह इसको स्लाइड कर, ठीक है। तो बियरिंग यूज किया जाता है इसमें, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइप्स के सिल्वर के बियरिंग्स होते हैं, उसको यूज करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम साइकिल के पहिए में देखे देखते हैं कि साइकिल का जो पहिया होता है, उसका जो मिडिल पार्ट होता है, जो ये मिडिल पार्ट होता है साइकिल का, इसके अंदर भी आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज किया, ताकि ये जो आपका साइकिल का पहिया है, ये रोटेट हो सके, है ना, ये रोटेट हो सके, किसके थ्रू होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बियरिंग्स यूज करते हैं, छोटे छोटे सिल्वर के रूट। रूट क्या होता है, रूट देखो, जो ऐसा फ्रिक्शन जो किससे के थ्रू हो आपका, यानी फ्लूड को हम कॉमन नेम से भी पहचानते हैं, गैस एंड लिक्विड को, ठीक है, जो गैस और लिक्विड को हम कॉमन नेम फ्लूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि इट इज कॉमन नेम ऑफ गैस एंड, ठीक है, हम इसे फ्लूड क्या होता है एक्चुअली में, इट इज अ कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। लास्ट है हमारा ड्रैग। अब देखो ड्रैग क्या होता है, कि ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो किसके थ्रू हो, फ्लूड की वजह से, ध्यान से सुनना, ड्रैग क्या होता है, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो किसके थ्रू हो, फ्लूड की थ्रू हो, उसको हम कहते हैं ड्रैग, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द फ्लूड इज कॉल्ड ड्रैग, है ना। क्या हो, ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो किसके थ्रू हो, फ्लूड के थ्रू। फ्लूड क्या होता है, गैस और लिक्विड, है ना, इसके थ्रू अगर हो फ्रिक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और इसके थ्रू जो हमारा ये चैप्टर है, ये लेसन नंबर 8 फ्रिक्शन, वो हमारा कंप्लीट होता है।